आओ बच्चों देखते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है बच्चों, कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है पूछा गया है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है पूछा गया है। तो बच्चों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके एक से अधिक दो से अधिक गुणनखंड हो, दो या दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, वन को छोड़कर। तो बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखिए, पहले क्या दिया है 7 × 11 × 13 + 13 पहली संख्या ये दी गई है, दूसरी वो दी। तो इसमें सबसे पहले देखिए 13 कॉमन दिख रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे ऐसे, यहाँ बचेगा क्या 7 × 11 ये तो कॉमन हो गया, प्लस इसकी जगह क्या आएगा 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 7 = 77 + 1 ऐड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 78। 78 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 78 के फैक्टर निकाल लो, 2 × 3 = 2 × 9 ये 3's कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 3 = 13 × 1 तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए 2 × 3 × 13 तो ये देखो दो या दो से अधिक फैक्टर हमें मिल गए। आप क्या करेंगे इधर वाला देखते हैं, ये क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये बच्चों लिख दिया। अब इसमें भी देखिए 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 5 की जगह कॉमन हो गया क्या लिखेंगे 1। अब इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो 5 × 7 = 42 4 × 3 = 12 12 × 2 = 24 और प्लस 1 24 × 1 = 24 ये होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 और 24 का, 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16 2 × 2 = 4 2 × 4 = 8 जोड़ दीजिए ऐसे, ये क्या हो गया ये देखिए ये क्या हो गया 1008 प्लस 1 इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा 1009 1009 इसके भी एक से अधिक दो गुणनखंड हो गए, आगे हो जाए उससे बात नहीं है। अब देखो इसके भी गुणनखंड दो हैं, इसके भी दो से ज्यादा हैं, तो हम क्या कह सकते हैं दोनों संख्याएं क्या होंगी भाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। ये रीजन दे देंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं भाज्य दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, दो से ज्यादा गुणनखंड है। अब इसको देख लीजिए बच्चों, ये भी दो से ज्यादा है, ये भी दो है, अब ये बड़ा नंबर है पता नहीं किससे कटे, तो दो तो हमें मिले ही जा रहे हैं, अगर दो गुणनखंड है या दो से ज्यादा तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों
ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, जो कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो है उसको जोड़ दिया जाता है। लास्ट में उसके फैक्टर निकाल लो, दो से ज्यादा या दो ही तक निकाल लो, तो आप कह सकते हो कि ये जो संख्याएं दी गई हैं भाज्य हैं। अगर कोई गुणनखंड नहीं आता है तो ऐसे केस में बच्चों को भाज्य नहीं होंगी, फिर वो अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।